मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ये अनमोल वचन खुद श्री कृष्ण के हैं। जग के पालनहार विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जिनका जन्मोत्सव आज भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मन में भक्ति, भजन में शक्ति, क्योंकि कृष्ण का जन्मोत्सव है। हर साल जन्माष्टमी की तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। मंदिरों में आकर्षक तरीके से साज सजावट की जाती है, झांकी आदि का विशेष कार्यक्रम किया जाता है और इन सब के साथ सबसे आकर्षक होता है भगवान श्री कृष्ण का भोग पंजीरी और छप्पन भोग। और कृष्ण को छप्पन भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और आपको बता दें, इस साल जन्माष्टमी को दो तिथियों पर मनाया जा रहा है। वृंदावन में आज यानी कि 23 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया जा रहा है और मथुरा में कल यानी कि 24 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज हम आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है छप्पन भोग और कैसे शुरुआत हुई थी इस छप्पन भोग की। बता दें आपको, हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वो वाक्य तो पता ही होगा, जब श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अपने गांव वाले की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उसके बाद जब बारिश शांत हो गई और जब सभी गोकुलवासियों पर्वत से बाहर निकल गए, तब बता दें आपको, उस वक्त श्री कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तब भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे थे। उसके बाद गोकुलवासियों को ये एहसास हुआ कि कृष्ण ने हमारी जान की रक्षा के लिए 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया और माता यशोदा तो कन्हैया को दिन के 8 पहर खाना खिलाती थी, जिसके बाद गोकुलवासियों ने अपने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जो श्री कृष्ण को पसंद थे। और तब से आज तक श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 56 भोग लगाया जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।